हेलो फ्रेंड, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट क्रैकर में आपका स्वागत है। SBI PO पदों के 2056 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। 5/10/2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25/10/2021 है। प्री एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक से डाउनलोड करना है और प्री एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर 2021 में होगा। रिजल्ट दिसंबर 2021 में डिक्लेयर होगा। मेन एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड दिसंबर के सेकेंड या थर्ड वीक से डाउनलोड होगा। फेस सेकेंड ऑनलाइन एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में होगा और रिजल्ट जो है जनवरी 2022 में डिक्लेयर होगा। फेस थर्ड के लिए एडमिट कार्ड फरवरी 2022 के फर्स्ट या सेकेंड वीक से डाउनलोड करना है। इसके अलावा फेस थर्ड यानी इंटरव्यू के लिए सेकेंड या थर्ड वीक फरवरी 2022 है। फाइनल रिजल्ट जो है फरवरी या मार्च 2022 में डिक्लेयर हो जाएगा। कैटेगरी वाइज पदों के बारे में डिटेल यहाँ पे दिया है। रेगुलर वैकेंसी में 2000 पोस्ट हैं और बैकलॉग में 56 पोस्ट हैं। इस तरह से कुल 2056 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट पास होनी चाहिए यानी ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। यदि आप फाइनल ईयर में हैं, अपेयरिंग में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बट 31/12/2021 से पहले आपका कोर्स पूर्ण होना चाहिए। कैटेगरी वाइज कोड यहां पे दिया हुआ है जिसमें कैटेगरी वाइज कोड आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में प्री एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछा जाएगा जो 3 सेक्शन में होगा। इस 3 सेक्शन में कौन कौन सा सेक्शन है इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 प्रश्न हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से संबंधित 35 प्रश्न और रीजनिंग से संबंधित 35 प्रश्न हैं। इस तरह से कुल 100 प्रश्न 100 अंक का है और इसमें मिनट जो है वो 20-20 मिनट का है, एक घंटे का यह फर्स्ट पेपर है फेस वन का। कैटेगरी वाइज जो छूट हैं एज लिमिट के लिए वो 1/4/2021 हैं। कैटेगरी वाइज छूट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, बैकवर्ड के लिए 3 साल और अदर कैटेगरी वाइज डिटेल मल्टीपल यहां पे दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में फेस सेकेंड एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसमें रीजनिंग कंप्यूटर एबिलिटी से संबंधित 15 प्रश्न पूछा जाएगा और ये रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से संबंधित 45 प्रश्न पूछा जाएगा और ये 60 अंक का है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से संबंधित 35 प्रश्न 60 अंक का। जनरल इकोनॉमिक्स या बैंक अवेयरनेस से संबंधित 40 प्रश्न 40 अंक का है और इंग्लिश लैंग्वेज संबंधित 35 प्रश्न और 40 अंक का है। इस तरह से 155 प्रश्न पूछा जाएगा और 200 अंक का है, 3 घंटे का पेपर है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी इसमें होगा जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में दिया है। फेस 3 एग्ज़ाम के लिए जो डिटेल इसमें दिया है, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए ₹750 एप्लीकेशन शुल्क हैं। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का ऑप्शन आएगा। यदि आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं लेना चाहते हैं तो इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ चांस से संबंधित डिटेल जानकारी इसमें दिया है जिसमें जनरल EWS के लिए 4 साल और बाकी कैटेगरी के लिए 7 साल हैं। हाउ टू अप्लाई से संबंधित डिटेल जानकारी यहां पे दिया है जिसके बारे में डिटेल आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये ऑल इंडिया के लिए जॉब है यानी ऑल इंडिया में कई जगह सेंटर बनाए गए हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित डिटेल जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है जो डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इसके अलावा जनरल गाइडलाइन भी दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए।